हेलो प्रिंस, कुक विद राधा चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल। चने की दाल रोटी या चावल किसी के साथ भी खाओ, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इसको साफ करके रख लिया, ये देखिए, और इसे 2 बार पानी से धो लिया है और 5 मिनट के लिए इसे भिगो कर रखा था, दाल हमारी जल्दी से गल जाए। चने की दाल बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम चने की दाल ली है, जो मैंने 5 मिनट पानी में भिगो कर रख रखी थी। इसका पानी निकाल दिया है मैंने। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 5 से 6 लहसुन की कली ली है जिसे कूट के तैयार करके रख ली है, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 5-6 हरी मिर्च ली है टुकड़ों में काट ली है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा कप हरा धनिया लिया है, 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 टमाटर लिया है बड़ा टुकड़ों में काट लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है स्वाद अनुसार, आधा चम्मच गरम मसाला लिया है और 1 बड़ा प्याज लिया है जो टुकड़ों में काट लिया है। चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम दाल को प्रेशर कुकर में डालेंगे। और इसमें ये पानी डाल देंगे, आधा लीटर पानी लिया है। ये देखिए 1 गिलास पानी हमने और डाल दिया है। हल्दी पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, गरम मसाला डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे और ये नमक डाल देंगे। अब इसका ढक्कन बंद करके गैस पर चढ़ा देंगे। लगाने के लिए सरसों का ऑयल लिया है, इसमें से हम 1 चम्मच ऑयल दाल में डाल देंगे, दाल हमारी अच्छी स्वादिष्ट बनेगी। ये देखिए 1 चम्मच दाल में हमने ये ऑयल डाल दिया है। अब गैस ऑन करेंगे, कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, सीटी आने तक, 4-5 सीटी आने तक दाल हमारी रेडी हो जाएगी। कुकर हमारा ठंडा हो चुका है, अब हम दाल को चेक करेंगे। ये देखिए दाल हमारी बन के तैयार है। अब इसमें हम तड़का लगाने शुरू करते हैं। तड़का लगाने के लिए मैंने कढ़ाई ली है, गैस ऑन करेंगे, इसमें ऑयल डाल देंगे, ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें हम जीरा डाल देंगे, लहसुन की कली डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, लहसुन प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक भूनेंगे। लहसुन प्याज हमारा भुन के तैयार है, ये देखिए ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम दाल छोड़ेंगे, दाल को हमने कढ़ाई में पलट लिया है कुकर में से। ये देखिए चने की दाल हमारी फ्राई हो चुकी है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तड़का हमने लगा दिया है। दाल हमारी फ्राई होके तैयार है, ये देखिए। अब इसमें हम हींग डाल देंगे, हमने तेल में इसलिए हींग नहीं भूनी है, इसकी खुशबू निकल जाती है और ऐसे हींग डालने से खुशबू इसी दाल में बनी रहती है, दाल स्वादिष्ट और अच्छी लगती है। हींग को हमने इसमें मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ा हरा धनिया हमने बचा लिया है ऊपर से लगने के लिए।
चने की दाल हमारी बनके तैयार है। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप प्लीज इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए। हमें जरूर बताइएगा हमारी चने की दाल कैसी बनी है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।